on the front. इस शब्द विच महाराज ने संसारी जीवों की जो अवस्था है, दुख भरी कहानी है, दुख भरी अवस्था है, उसका वर्णन किया और फिर उसका इलाज भी दस्सिया। महाराज जी ने बाणी विच किया है, जो जो दिसै सो सो रोगी, रोग रहत मेरा सतगुरु योगी। अनेक थावां ते बाणी विच दुख अते रोग दी जो साडे शरीर नूं साडे मन नूं चंबड़े हुए हन, महाराज जी ने उन्हां दा जिक्र कीता। इस शब्द विच भी इसे ही प्रकरण की व्याख्या है कि संसार का जीव किवें जीवन जी रहा है। मर्ज कह रहे हैं, जियो तप्त है बारो बार, जियो मन, साडा मन वार वार तपया हुआ है, अग विच सड़ रहा है। हर वेले असी दुखी, तपया है साडा हिरदा। फिर होर जोर दे के कहते हैं, तप तप खपै बहुत बेकार। जिस वेले ये दुख नाल जलता है, रोग नाल जलता है, क्लेश नाल सड़ता है, फिर बहुत खपता है, रौला पाउंदा है, पर उस रौले में कोई अर्थ नहीं। महाराज कहते कि बहुत बेकार है मनुख का जीवन जड़ा है, यह दुखा दस्या हो। महाराज कहते हैं कि कारण की क्यों दुखा विच है, क्यों कलेशा विच है, उसका कारण दसते। जय तन बाणी विसर जाए, उस शरीर जय तन तन मन शरीर, उस शरीर जिहड़ा बाणी नूं भुला दिंदा है, बाणी नूं विसर जाता है, सतगुरु जी के बचना नहीं मिलता, बाणी नाल नहीं जुड़ता। महाराज जी कहते हैं उसका हाल की है, जो पक्का रोगी बिरलाए, पक्का रोगी जिसका लाभ इलाज बीमारी होगी होवे, क्रोनिक डिजीज का जो मारिया गया होवे, महाराज जो वो रोंदा है वो करवाउंदा है। इसे तरह जब असी बाणी नूं विसार दिंदे हां, सतगुरु जी के बचना नूं विसार दिंदे हां, असी उस तरह ही उस पक्के रोगी की तरह तड़पते हैं दुखी। महाराज कहते हैं रहाओ की पंक्ति में कि भाई तू दुखी तो हुंदा है, रौला भी बहुत पाउंदा है, पर इस रौले का कोई फायदा नहीं है, इसका लाभ नहीं है। क्यों? बहुता बोलन चखन होए, बहुता रौला पाउंदा कोई फायदा नहीं। बहुत बोलते हैं कि जिवें चक्कड़ चुड़िया हुंदा है, असी ऐवें ही बेअर्थ व्यर्थ जिहदे कोई अर्थ नहीं उस तरह का रौला पाउंदा साडी गल, आले दुआले साडे जिहड़े विचित्र लोग उह बहुत ठीक करदे, पर उह अकाल पुरख वाहिगुरु जिहड़ा है उहदा तेरे वल ध्यान जरूर है। बिन बोले जाने सब सोए, ओ वाहिगुरु बिना तेरे बोलन तो, बिना रौला पाउन तो तेरे दुख की जिहड़ी विथिया है उसनूं ओ जानदा। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे पिछे अरदास, ओ जानदा है सब कुछ तेरे तकलीफ नूं। महाराज जी इसकी होर व्याख्या करते हुए कहते हैं, उस प्रभु ने साढ़े से की मेहरा की बख्शा कीतिया हुई हैं, सानू उधर ध्यान देने की लोड़ है। जे इन्ना कुछ दिता होया तो साढ़े दुख का इलाज को क्यों नहीं करे। महाराज कह रहे हैं, जिन कर्ण कीते अखी नाक, उस वाहिगुरु ने सानू कर्ण दिते सुनवा,
उसने सानू अखां दित्तियां हुण वेखण वास्ते, उसने सानू नक दित्ता है सुगंधियां मानण वास्ते, खुशबुआं मानण वास्ते। कितनी साढ़े ते पूरी वड्डी बख्शिश है। जिन जेवा दित्ती बोले तात, जिस वाहिगुरु ने सानू जीभ बख्शी है जिदे नाल असी बहुत गल्लां करदे हां, ये जीभ की भी बड़ी शक्ति है जिहड़ी असी मान रहे। जिन मन राखिया अग्नि पाए, साडे मन विच अग्नि, अग्नि तो पाक है ते शक्ति, साडे मन नूं शक्ति नाल भर दित्ता है। असी हर वेले मन नाल कुड़ारियां मारदे हां, कई सुपने लैंदे। वाजै पवन आखै सब जाए, पवन साडे अंदर हवा वग रही, जिहड़ा असी साह लैंदे हां पवन है। पवन ने मैं पवन सुनाया, महाराज जी बाणी कहिंदे जिहड़ा मनुख जांदा संसार तों ते हवा हवा विच फिर जांदी। वाजै पवन आखै सब जाए, असीं सब अपनी गल कहिंदे फिरदे हां, भजे फिरदे हां, काले सहारे, इस पवन के सहारे, इस साह के सहारे। इतनियां बख्शियां हन साडे ते अकाल पुरख दीआं वाहिगुरु दीआं। महाराज जी सानू होर समझा रहे हन, जेता मोह प्रीत सुवात, सबा कारक तागा काग। इन्ना कुछ सानू मिलिया है, पर असीं फजूल दीआं चीज़ां विच अपने आप को गवाया हुआ, असी मोह माया विच फसे हुए, असी झूठियां प्रीतियां ला के उहदे विच गवाचे हुए, असी झूठे स्वादां दे नाल अपना जीवन गवा रहे। मन कहते उस दीआं दित्तियां हुईआं दातां दी असी ठीक वरतों नहीं कीती। इह जो कुछ असी कर रहे हां, महाराज जी कहिंदे ने इह कालक है, इह कोई लाभदायक चीज नहीं है। एक तरह का कलंक है जिहड़ा सानू लग रहा है कि असी जीवन नू ठीक ढंग नाल जीउ नहीं गए। सबा कालख दागा दाग, ये साडे शरीर के उत्ते लॉट है, स्टिग्मा है, असी खट रहे। महाराज जी कहिंदे ने ये दाग लैके जे असी वाहिगुरु की दरगाह में जावांगे, माड़े कम्मां का कलंक लैके जे वाहिगुरु के दरबार में जावांगे, सानू ढोई नहीं मिलेगी। दाग तो मोह चलिया जाए, असी अपने मुंह ते ये माड़े कम्मां का दाग ला के चल पैंदे ना, जीवन में ठीक ढंग नाल जीउ के नहीं जांदे। नतीजा की हुंदा है, दरगह कैसन नहीं जाए, रब की दरगाह दे विच बैसन बैठन दी साडे लई कोई जगह नहीं, जाए न जगह, सानू उत्थे ठीक स्थान नहीं मिलेगा। प्रभु सानू पुछणगे कि तुसीं किहड़े काम करके आए हो, किहड़ियां कमाईयां करके आए हो, जे माड़े काम करके गए हां तां सानू रब दे दरबार विच ठीक स्थान नहीं मिलेगा। सो महाराज का इस गल के उत्ते एम्फेसिस है, इस गल के उत्ते जोर है कि असी जीवन में चंगी कमाई करनी है, सतगुरु की बाणी नाल जुड़ना है, महापुरुषों के बचनों नाल जुड़ना है। सो इस करके अंतरियां तुकां विच इस पासे ध्यान खिंच रहे हैं, कहिंदे हैं कर्म मिले आखन तेरा नाम। कर्म बख्शिश, ये प्रभु जदों तेरी बख्शिश होती है, जिन्हां ते तेरी बख्शिश होती है वो तेरा नाम जपते ने, तेरे नाम नाल जुड़ते, बाकी स्वादां विच वाजे। कर्म मिले आखन तेरा नाम, जित लग तरना होर नहीं थाओ। इस संसार दे समुंदर नूं तर के पार करना है। महाराज जी ने पार करन दा इको तरीका है कि नाम नाल जुड़िए, प्रभु दे सिमरन नाल जुड़िए,
इस तो बिना हो कोई तरीका नहीं, हो कोई थान जित लग तरना और नहीं थान। सचमुच आखिरी दो पंक्तियां बहुत ध्यान देने वाली हैं। महाराज जी सब इन्हां ते केंद्रित कर रहे हैं कि असी अपना जिन्ना भी जीवन बतीत कर रहा है, भावे किन्ने ही माड़े काम कर रहे हैं, भावे किन्ने ही पापां विच डुबे हुए हैं, फिर भी जे असी सतगुरु दे नाल प्रभु दे नाम सिमरन नाल जुड़ांगे तां उह साडा ध्यान करेगा, साडा कल्याण हो सकदा है। जे को डूबे, जे कोई डुबिया पिया है माड़े कामां विच, जे कोई गुआचिया पिया है माड़े कामां विच, मत कदे थोड़ी भी साथ हो लवे। जे को डूबे फिर होवे सार, नानक साचा सर्ब दातार। नानक ओ वाहिगुरु ओ अकाल पुरख सब का दाता है, सच्चा है, सब मुरादा देने वाला है। इस करके जिहड़ी भी घड़ी असीं उहदे नाल जुड़ जाइए वह साडी साथ देवेगा, साडी राखी करेगा। सो सत संगत सतगुरु साढ़े ते बख्शिश करन, असी नाम ते बाणी नाल जुड़ जाइए। जिहड़ा समा मनुखा जीवन का अनमोल असी गुआ भी बैठे हाँ, उहदे ते फिकर ना करिए। सतगुरु के चरणों नाल जुड़ के दुखां रोगां ते कलेशां तों मुक्त हो के अपने जीवन में सफल करिए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नाम सतनाम जी, वाहिगुरु 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 सतनाम जी, वाहिगुरु 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 जपो सतनाम, सतनाम सतनाम जी, वाहिगुरु 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 तेरो नाम, तेरो नाम जी, नित नित जपिए तेरो नाम जी, तेरो नाम, तेरो नाम, तेरो नाम जी, नित नित जपिए तेरो नाम जी। जपो सतनाम, सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। जपो सतनाम, सतनाम सतनाम जी, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।